महेश्वर। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 6 मई 2024 से देव गुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं अस्त होने वाले हैं, तो इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 6 मई 2024 को देव गुरु शुक्र से प्रभावित वृषभ राशि में अस्त होने वाले हैं और 2 जून 2024 तक देव गुरु अस्त अवस्था में गोचर करने वाले हैं। गुरु के अस्त होने से जहां कई राशि वाले जातकों को सकारात्मकता मिलने वाली है, वहीं कई राशि वाले जातकों को नकारात्मक प्रभाव भी देखने के लिए मिलने वाला है। इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मीन राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रह माना गया है। गुरु को भाग्य, जान, धन, संतान, बड़े भाई और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर देव गुरु का ही आधिपत्य होता है। देव गुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली पर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की अनुकूलता देखने के लिए मिलती है। बलवान गुरु के प्रभाव से जातक धर्म कर्म के प्रति समर्पित होता है। ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान, धार्मिक तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। बलवान गुरु के प्रभाव से उत्तम वैवाहिक जीवन बनता है तथा संतान के सौभाग्य में वृद्धि होती है। यही देव गुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली पर कमजोर अवस्था में विराजित हो तो समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कमजोर गुरु के प्रभाव से थायराइड, मधुमेह तथा पेट से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान करती है और गुरु बृहस्पति के पीड़ित होने पर कर्जों का सामना जीवन में जरूर करना पड़ता है और गुरु के पीड़ित होने पर जातक के मान सम्मान की कमी भी लगी रहती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मीन राशि वाले जातकों, गुरु स्वयं आपके राशि के ही स्वामी बनते हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 1 मई को अपना परिवर्तन कर चुके हैं और 6 मई 2024 को आपके तीसरे भाव यानी आपके पराक्रम भाव में अस्त होने वाले हैं। गुरु के अस्त होने से मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मनोबल की कमी देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर चलना होगा। यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में काम करते हैं तो समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। गुरु की पंचम दृष्टि मीन राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव पर जाने वाली है, सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाने वाली है और नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। गुरु के शुभ प्रभाव से धार्मिक कार्यों की योजना बना सकते हैं या आपके घर में कोई नवीन और मांगलिक कार्यों का आयोजन संभव है। इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों, जो देव गुरु हैं वो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं, बड़े बदलावों से आपको बचना चाहिए और मीन राशि वाले जातकों को ऐसे कार्य व्यवसाय जिसमें आपका कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्य व्यवसाय में भी संलग्न होने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और मीन राशि वाले जातकों को सेहत का ध्यान रखकर चलना चाहिए। गुरु आपके राशि के ही स्वामी माने जाते हैं तो सेहत को लेकर
किसी प्रकार से लापरवाही आपको नहीं बरतनी चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। और मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वाणी के द्वारा भी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। भावना के वशीभूत होकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा शब्द बोलने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है इस मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। गुरु बृहस्पति जनित सकारात्मकता जीवन में अर्जित करने के लिए इस समयावधि में आपको केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए तथा इस समयावधि में हल्दी का सेवन आप लोग बढ़ा सकते हैं। इससे आपके जीवन में काफी शुभता मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।